हेलो नमस्कार दोस्तों दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज के सेशन में हम चर्चा करने वाले हैं ऐसे ड्राइड फ्रूट जो हमारे शरीर के लिए अति आवश्यक हैं और उनका ज़्यादा सेवन करने से क्या नुकसान होंगे, क्या फ़ायदे हैं और दोस्तों बहुत कुछ उनके इतिहास से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बातें हमें आज के सेशन में जानने को मिलेगी। तो दोस्तों बने रहिए आप हमारे YouTube चैनल के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों वीडियो को आप स्किप करके ना देखें क्योंकि दोस्तों जो डाइट फ्रूट्स हैं जैसे अखरोट हो गया, बादाम हो गई, किशमिश हो गई, दोस्तों जो मखाना हो गए, छुहारे इत्यादि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं और वो चर्चा दोस्तों हम विस्तार से करेंगे। आज के जो फर्स्ट पार्ट है हमारा उसमें हम पांच डाइट फ्रूट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। तो आप वीडियो को आप लास्ट तक अवश्य देखें। तो दोस्तों ज्यादा टाइम नहीं लेते हुए हम वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 9000 साल से इंसान खा रहे हैं अखरोट, ठीक है। तो दोस्तों अखरोट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं विस्तार से। 9000 साल से इंसान अखरोट खा रहे हैं। प्राचीन रोम में अखरोट को जुपिटर रॉयल एकोर कहा जाता था, ठीक है। तो जुपिटर रॉयल एकोर का मतलब होता है बृहस्पति का शाही बतुल का फल, ठीक है। तो पार्सिया में सिर्फ शाही परिवार इसे खा सकता था। दोस्तों अखरोट के जो पोषक तत्व हैं वो क्या क्या पाए जाते हैं अखरोट में पोषक तत्व, उनको देख लेते हैं। एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइबर, कैलोरीज, प्रोटीन, सैचुरेटेड फैट, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, पॉली अनसैचुरेटेड फैट, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, फॉस्फोरस और शुगर इत्यादि पोषक तत्व हमें अखरोट के अंदर से प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इतने पोषक तत्व अखरोट में पाए जाते हैं। दोस्तों अखरोट को कब खाए, दोस्तों ये भी सवाल होता है कि अखरोट को आखिर हम कब खा सकते हैं। दोस्तों अखरोट को हम सुबह खाना चाहिए, ठीक है। वैसे दोस्तों कभी भी खा सकते हैं लेकिन सुबह खाना बहुत हमारे सेहत के लिए अच्छा रहता है, ठीक है। दोस्तों इसको कैसे खाए, रात भर दोस्तों अखरोट को भिगोकर फिर खाना चाहिए, ठीक है। दोस्तों कितना ग्राम खाना चाहिए, 30 से 40 ग्राम का सेवन करना चाहिए। दोस्तों अखरोट से जुड़े कुछ फायदे हैं। दिल, दिमाग, हड्डियों, दांतों और बालों के लिए ये फायदेमंद होता है। कैंसर, तनाव, डायबिटीज से बचाने में मददगार होता है। अखरोट एंटी एजिंग है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। नींद के लिए अखरोट फायदेमंद होता है। तो दोस्तों अखरोट के ये फायदे हैं और दोस्तों अखरोट के कुछ नुकसान भी हैं, उनको भी देख लेते हैं। दोस्तों पेट में गर्मी, गैस और एलर्जी हो सकती है, ठीक है। ज़्यादा खाने से वजन बढ़ सकता है। तो दोस्तों अखरोट का भी सीमित मात्रा में ही प्रयोग करना चाहिए। तो दोस्तों आगे जो दूसरा ड्राई फ्रूट है उसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों बादाम से संबंधित जो फैक्ट हैं उनके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। 5000 साल से हो रही बादाम की खेती। बादाम मूल रूप से ईरानी है लेकिन आज दुनिया का 80% बादाम कैलिफोर्निया में पैदा होता है। दोस्तों बादाम के जो पोषक तत्व हैं वो देखते हैं। विटामिन ई, मोनो अनसैचुरेटेड फैट, फाइबर, बायोटिन, कैल्शियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट बादाम में पाए जाते हैं। दोस्तों बादाम को सुबह या शाम नाश्ते में खा सकते हैं। दोस्तों रात भर भिगोकर इसे खाना अच्छा रहता है। छिलका उतारकर खाने से ये जो पोषक तत्व है वो सभी की प्राप्ति होती है। तो इसे रात को भिगोकर खाना चाहिए और सुबह शाम नाश्ता में हम बादाम खा सकते हैं। दोस्तों 40 से 50 ग्राम बादाम का सेवन पर डे करना चाहिए, ठीक है। दोस्तों इसके फायदे क्या हैं बादाम के वो भी देख लेते हैं और नुकसान क्या है वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहले हम फायदे देखते हैं। शरीर में कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापे का खतरा घटता है। दिल, रक्त धमनियों, स्क्रीन और बालों को स्वस्थ रखता है। ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करता है। गुड गट बैक्टीरिया के बढ़ने में मदद करता है। दिमाग के लिए फायदेमंद होता है। याददाश्त तेज होती है। हड्डियां मजबूत होती है।
स्ट्रोक, कैंसर का खतरा कम रहता है। ठीक है, तो ये बादाम के कुछ फायदे हो गए। अब दोस्तों नुकसान के बारे में हम देख लेते हैं। अगर ज्यादा बादाम खाने से क्या नुकसान हो सकता है? ज्यादा खाने से पेट से जुड़ी दिक्कतें हो सकती हैं। एलर्जी है तो मत खाए। दोस्तों किसी को एलर्जी भी होती है तो उस व्यक्ति को तो खाना नहीं चाहिए, और पेट से संबंधित कुछ बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं ज्यादा बादाम खाने से। ठीक है, तो बादाम भी दोस्तों सीमित मात्रा में खाना चाहिए, और कब खाना चाहिए? सुबह शाम भिगोकर खाना चाहिए। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि बादाम का सेवन, बादाम में पोषक तत्व। ठीक है, सब कुछ फायदे नुकसान के बारे में हम बता चुके हैं। आगे देखते हैं दोस्तों तीसरा जो डाइट फ्रूट है वो, ठीक है, वो क्या है दोस्तों? मखाना। दोस्तों बिहार का मखाना खाती है दुनिया 90% पैदावार यही। दोस्तों बिहार में 90% पैदावार यही होता है। दुनिया दोस्तों बिहार का मखाना खाना पसंद करती है। केंद्र सरकार ने इसी साल मिथिला में मखाना को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया है। दोस्तों जीआई टैग दिया गया है मखाना को। ठीक है, बिहार का जो मखाना है उसको जीआई टैग दिया गया है। दोस्तों बिहार का जो मखाना है उसके जो उसमें जो पोषक तत्व पाए जाते हैं वो देखते हैं। कैल्शियम, मैग्नीशियम, फॉस्फोरस, आयरन, फाइबर, मैगनीज, पोटेशियम, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और स्टार्च मखाना में पाया जाता है। दोस्तों मखाना को नाश्ते में हम खा सकते हैं। रोस्टेड कैसे खाए दोस्तों? रोस्टेड खा सकते हैं। और दोस्तों कितना खाना चाहिए? एक मुट्ठी खाना चाहिए। ठीक है, दोस्तों मखाने के फायदे क्या हैं? कब्ज, नींद आने की समस्या, डायबिटीज, गठिया और प्रसव के बाद होने वाले दर्द में फायदेमंद होता है। मखाना एंटी एजिंग है। क्या है दोस्तों? एंटी एजिंग है। यह कमजोरी दूर करता है। दिल, मसूड़ों और हड्डियों के लिए अच्छा होता है। वजन और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। तो ये इतने इसके फायदे हैं। दोस्तों इसके कुछ नुकसान है जो भी देख लेते हैं। स्टार्च इंटेक बढ़ाने में एलर्जी बढ़ने से एलर्जी हो सकती है। ब्लोटिंग, डायरिया और कोल्ड फ्लू की समस्या बढ़ सकती है। पेट में गैस, पथरी या किडनी से जुड़ी कोई समस्याएं हो तो मखाना न खाना चाहिए। तो आई होप दोस्तों आपको जो मखाना है उनसे संबंधित तमाम बातें आपको जानकारी मिल चुकी होगी। ठीक है, तमाम बातों की हम जानकारी दे चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा जो एक क्या है कि वो छुआरे होते हैं ना दोस्तों, ये भी एक ड्राई फ्रूट है और बहुत अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए माने जाते हैं और हैं भी। ठीक है, छुआरे में पोषक तत्व तो खजूर से ज्यादा होते हैं। ठीक है दोस्तों, जो खजूर होती है उनसे खजूर दोस्तों छुआरे खजूर के ही बनते हैं एक्चुअली में, लेकिन खजूर से ज्यादा पोषक तत्व तो छुआरे में होती है। सूखने के बाद खजूर जब सूख जाती है तो वो छुआरा बन जाती है। रमजान में खजूर से रोजा खोला जाता है, तो छुआरे का इस्तेमाल भी पूजा और प्रसाद में खूब होता है। ठीक है दोस्तों, जो मुस्लिम भाइयों के द्वारा जो रमजान की जाती है उस में जो रोजा चलते हैं, रमजान में जो रोजा किया जाते हैं उन रोजा को छुआरे से ही खोला जाता है, और छुआरों का वो सॉरी खजूर से रोजा खोला जाता है। ठीक है, और छुआरे का इस्तेमाल पूजा और प्रसाद में किया जाता है। दोस्तों खजूर का दूसरा रूप ही छुआरा है। तो दोस्तों जो छुआरा है उसके अंदर जो पोषक तत्व है उनको देख लेते हैं। आयरन, पोटेशियम, सेलेनियम, मैग्नीशियम, सोडियम, फास्फोरस, कॉपर, विटामिन ए, सी, ई, के, B2, B6, नियोन और थायमिन छुआरे में पाया जाता है। दोस्तों कब खाना चाहिए? रात में सोने से पहले छुआरे को खाना चाहिए। और कैसे खाए? भिगोकर खाए या फिर पीसकर दूध के साथ खाना चाहिए। दोस्तों कितने छुआरे खाने चाहिए? दिन में 2 से 3 छुआरे खाना चाहिए, जरूरी है। ज्यादा भी 4-5 भी खा सकते हो, लेकिन 2 से 3 नॉर्मल है, खाना चाहिए। दोस्तों छुआरे के फायदे क्या हैं? खजूर को सुखाकर बनाया गया छुआरा सर्दी, जुकाम, मौसमी बीमारियों, कब्ज से बचाता है। यह दिल, दिमाग, आंतों, हड्डियों, स्किन, बालों के लिए अच्छा है। बेंड कंट्रोल, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। यह एलर्जी ब्रूस्टर, एंटी एंजिंग है। एसिडिटी, पेट के अल्सर, कोलाइट्स, सीने में जलन में फायदेमंद होता है। दोस्तों इसके कुछ जो नुकसान है वो भी देख लेते हैं। शुगर लेवल अधिक है तो इसे नहीं खाना चाहिए। ज्यादा खाने से वजन बढ़ जाता है। लूज मोशन या पेट दर्द हो सकता है। तो
तो इसके ये कुछ नुकसान है, उसके कुछ फायदे हैं। तो दोस्तों छुहारे से संबंधित तमाम जानकारी हम आपको दे चुके हैं, तो आप इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं दोस्तों काली किशमिश के फायदे। अब दोस्तों देख लेते हैं काली किशमिश। दोस्तों जो काले अंगूर होते हैं उनको सुखाकर जो किशमिश बनाई जाती है उसको काली किशमिश कहते हैं, ठीक है। और एक जो नॉर्मल अंगूर हरे अंगूर होते हैं उनको सुखाकर किशमिश बनाई जाती है, वो भी किशमिश होती है, लेकिन ये काली किशमिश से जुड़े कुछ फायदे हैं उनको हम देख रहे हैं। एनीमिया से बचाओ, ठीक है। पहला फायदा क्या है? एनीमिया से बचाओ। एसिडिटी दूर करता है, ठीक है, और एनर्जी बढ़ाता है, ठीक है। तीन फायदे। चार नंबर का फायदा है दोस्तों पाचन दुरुस्त रखता है, ठीक है, कब्ज से राहत मिलती है और झुर्रियां रोकने में मददगार होता है काली किशमिश, ठीक है। और दोस्तों ये जो सोर्स हमने लिए हैं, ठीक है, ये सोर्स कहाँ से लिए हैं? शिल्पा मित्तल, डाइटिशियन और न्यूट्रिशियन न्यूट्रिनिस्ट के लिए, है ना, न्यूट्रिशनिस्ट से ये सोर्स लिए गए हैं। तो दोस्तों काली किशमिश से जुड़े हमें फायदे आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। दोस्तों अभी हाल ही में जो चर्चित मुद्दा चल रहा है किसान भाइयों के द्वारा, जो एमएसपी को लेकर जो किसान भाइयों के द्वारा जो महासंग्राम चल रहा है उनसे संबंधित हमने वीडियो बना रखा है, तो उस वीडियो को दोस्तों आप प्लेलिस्ट में जाकर आप अवश्य देखें, ठीक है। क्या है किसानों की मांग, इनमें हमने अच्छे तरह से समझा रखा है, ठीक है। स्वामीनाथन, जो कमिश्नर की रिपोर्ट के आधार पर सभी फसलों पर एमएसपी दिया जाए उनसे संबंधित, और भूमि अधिग्रहण कानून 2013 दोबारा लागू किया जाए उनसे संबंधित इस वीडियो में हम अच्छे से जानकारी दे चुके हैं। तो दोस्तों इस वीडियो की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से जाकर आप इस वीडियो को भी देख सकते हो, और हमारी प्लेलिस्ट में ऐसे तमाम वीडियो अपलोड किए हुए हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छे हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब अवश्य करें। तो दोस्तों मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए अंदाज में जल्द ही, तब तक जय हिंद जय भारत।